तो गाइस दिक्कत हो गई। पटना में या तो ऑफिस में या फिर विशाल दूल्हे के पास लगा दूंगा। एंड दिस इज वन। सब मैं जा रहा हूँ सोने। खाना ऑर्डर रहेगा ऊपर में? नहीं भैया, नहीं ऑर्डर है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं चाय पी रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड स्वागत है आपका दूसरे ब्लॉग में। और आज मैं यहाँ से ग्वालियर जा रहा हूँ, बिकॉज अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 10 और मेरी ट्रेन जो है 4:10 पे है। जो कि ग्वालियर में क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज राखी है, रक्षाबंधन है और मेरी बड़ी वाली दीदी ग्वालियर में ही रहती है, तो बहुत दिन से वो बुला रही थी, तो मतलब जल्दी जल्दी में मुझे जाना पड़ा और मैं जा रहा हूँ। टिकट मैंने करवाया था बट वहाँ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो देयर वाज इशूज कि मुझे दो ट्रेन चेंज करने हैं। एक ट्रेन जो कि मुझे अभी जो 4:10 में मैं पकड़ रहा हूँ, वो मुझे यहाँ से इटावा पहुँचाएगी, और फिर इटावा से सुबह में 5 ट्रेन है जो मुझे ग्वालियर पहुँचाएगी 9:30 अप्रॉक्स, राइट? सो इट्स लाइक दैट। और अभी मैं रेडी हो गया हूँ, आई वोर दिस एंड बाकी सब बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो पिछली ब्लॉग आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। इस ब्लॉग में बहुत सारी भी चीज़ें हैं, और एक चीज़ और है कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं बाइक से ही चला जाऊँ, बट देर वॉज इशू कि मैं बाइक से इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मुझे जाना है और 1600-1800 किलोमीटर है ग्वालियर यहाँ से। जाने के लिए कोई इशू नहीं है, मैं 24 घंटे या 18 घंटे बाइक चला के जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको अगर 1600-1800 किलोमीटर का अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। एंड आई वॉज द सोलो राइड, ये मेरा सोलो राइड होता, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, ऑफिस भी है, ऑफिस से छुट्टी नहीं है। सो जल्दी जल्दी में मैं ट्रेन बुक किया, फ्लाइट का भी डायरेक्ट नहीं था, तो मैं ट्रेन से ही जाना प्रेफर्ड समझा, राइट? सो मैं यहाँ से अभी रेडी वेडी हो गया हूँ, सामान वान पैक हो गया है, मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल बाइक से जाऊँगा पटना, और पटना में ऑफिस में मैं अपना बाइक लगा दूँगा और वहाँ से मैं स्टेशन निकल जाऊँगा, और फिर देखते हैं आगे जो भी होगा आप लोग को बताते रहेंगे। और दो बैग लेके जा रहा हूँ, एक बैग जो मेरा पीठ पर रहेगा एंड वन इज़ द हैंड बैग, ये दो बैग लेके जा रहा हूँ। वैसे मैं ये सोच रहा था ये जो पीछे ये आपका ट्रॉली भरा हुआ है ये ट्रॉली लेके जाना, बट एक दिन के लिए जा रहा हूँ, सो ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। मैं ग्वालियर में जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे, अब चलते हैं, निकलते हैं। दिस इज़ द वन बैग एंड this is one, right? Ready, I'm now ready to roll. और अभी मैं यहाँ से बाइक से जाऊँगा, बाइक पटना में या तो ऑफिस में या फिर विशाल दूल्हे के पास लगा दूँगा, एंड वहाँ से मैं कैब से चला जाऊँगा स्टेशन। चलिए तो हम निकलते हैं, हर हर महादेव। जस्ट अभी निकल रहा हूँ, लगभग 4 ट्रेन पटना पहुँचेगी एंड मैं अभी स्टेशन से कितना किलोमीटर होगा भैया यहाँ से स्टेशन? 4.5 किलोमीटर। Thank you.
स्टेशन पहुंच गया हूँ। मैं करतीगैया साइड उतर रहा हूँ, यहाँ से 4 नंबर पे ट्रेन से मैं जाऊँगा। और मेरी ट्रेन जो है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आई है। सो टाइम से पहुंच गया हूँ, लगभग अभी 3:50 हो रहे हैं मेरे पास, अभी 10 से 15 मिनट का टाइम है। तो आई होप कि सब कुछ करेगा। और मैं मतलब इतना घबरा इसलिए भी जाता हूँ, बहुत बार ट्रेन छूट रखा है और फ्लाइट भी छूट रखा है, और उसके वजह से बहुत सारे पैसे बर्बाद। बाकी सब बढ़िया है। 4 दिन का खाता है बिल्कुल। हेलो गाइस, अभी ट्रेन में हूँ। मेरा जो टिकट था वो वेटिंग में था, बट पहुँचते तक कंफर्म भी हो गया और मैं सेकंड एसी में हूँ। और जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो काफ़ी भीड़ था, मतलब ये सेकंड एसी के बोगी को ये लोग एक जनरल बोगी के तरीके से बना रखे थे। बट कोई नहीं, बिहार है तो सरकार वैसे ही चलता है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। और तो फिर वो आरा में जाके क्लियर हुआ, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था कि मैं बता नहीं सकता। और अभी देख लो, ये मेरा सीट है, मैंने सब चीज़ सेटिंग कर ली है और ये पर्दा भी दिया है सेकंड एसी में। दिस इज द आउटर व्यू। चलिए बताते चलेंगे, आपसे मिलते चलेंगे, करते हैं आप लोगों से बात। सब मैं जा रहा हूँ सोने, मतलब सो के उठता हूँ। मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे, मुगलसराय पहुँचने में 2 घंटा और रहेगा, तब तक हम सो लेते हैं। एक दिन खाना ऑर्डर रहेगा ऊपर में तो नहीं भैया, नहीं ऑर्डर रहेगा, क्योंकि मैंने खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया है, सो मैं भी खाना नहीं ऑर्डर। चलिए सो गाइस, दिक्कत हो गई, ट्रेन मेरी मतलब 1.5 से 2 घंटे लेट थी इटावा जंक्शन पहुंचने के लिए। मैं बार बार उठ के देख रहा था, अचानक से मतलब मेरी थोड़ी सी आंख लगी और ट्रेन का वहां पर 1 से 2 मिनट का स्टॉपेज था और वो स्टेशन पार हो गया। अब मुझे टुंडला स्टेशन उतरना होगा, फिर वहाँ से आगरा कैंट जाना होगा और फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के चलिए कोई बात नहीं, मतलब देखते हैं अब क्या करते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से था मतलब टिकट कंफर्म था 5 बजे, बट अब आगरा कैंट से टिकट कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं वहाँ जाके पता करते हैं कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और मैं पहुंच गया हूँ टुंडला जंक्शन। उतरना था मुझे इटावा, बट इटावा नहीं उतर पाया, टुंडला उतरा हूँ। अब मैं यहाँ से आगरा कैंट जाऊँगा एंड आफ्टर वॉच वहाँ से ट्रेन है जो कि भोपाल शताब्दी, और उसमें मैंने पहले टिकट करवाया था बट वो टिकट मैंने कैंसिल करवा दिया। फिर अभी देख लेता हूँ, अभी अवेलेबिलिटी होगी तो अभी मैं करवा के निकलूँगा। सो गाइस, अभी टुंडला जंक्शन से आगरा कैंट के लिए जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे ट्रेन की है। बट बस बता रही है कि बस भी 3 साढ़े 3 घंटा लगाता है, तो जैसे ट्रेन मेरा अगर वहाँ से पकड़ता हूँ तो 7:55 का है, तो उससे पहले अगर बस मिल जाती है तो बस मुझे उससे पहले पहुँचा।
गाइस ताजमहल के पास आ गया हूँ मैं। ब्रेक है यहाँ पे, चाय पी रहा हूँ और चाय जो है मतलब बहुत ही टेस्टी है, तो मज़ा आ गया सुबह ऐसी चाय पी के, थोड़ा नींद वगैरह, बट मेरे चेहरे पे देखो ऐसी सुनिए। अब जल्दी से आगरा पहुँचते हैं और ट्रेन फ्रेश व्रेश होते हैं। आगरा गंज पहुँच गया हूँ, जस्ट मेरी ट्रेन 6:10 में है और अभी जस्ट 5:40 हो रहा है। लेट्स सी, मतलब मज़ा आ रहा है भाई सुबह सुबह सफ़र करके, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, इट इज़ सो अमेजिंग। अभी मैं ग्वालियर पहुंच गया हूं एंड अब यहीं पर मैं ये आज का वीडियो एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। चलिए, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस अभी पटना पहुंचे हुए, जस्ट अभी रेलवे स्टेशन पर, बिकॉज बाइक मैंने लगा दी है विशाल भैया के, मैं ऑटो पर टाइम हो रहे हैं 3:30 बजे ट्रेन आ जाएगी, इससे पहले पहुँचना जरूरी है।